नमस्कार पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिले आज का कार्यक्रम में हम देखेंगे विश्वास को बाइबल में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में विश्वास का जिक्र किया गया है और जब भी विश्वास का जिक्र होता है तो हम एक व्यक्ति को याद करते हैं और वो है अब्राहम लेकिन ऐसे नहीं कि केवल अब्राहम ही बाइबल में विश्वासी था और भी कई विश्वासी हैं जिनका वर्णन बाइबल करती है और आज हम ऐसे ही देखेंगे आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता इस घड़ी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु हमें तो आशीष से परिपूर्ण कर ताकि हमारा विश्वास आप में बने रहे और आपकी वचनों को सुनकर समझने के लिए हमें तो आशीष दे ताकि तेरे वचन को हम अपने मन हृदय में रख कर तेरे करीब आने सके यही विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं देखक स्वराज में सुन और ग्रहण कर आमिन हमने देखा विश्वास को परमेश्वर अपने लोगों को विश्वास में बांध कर रखता है और यीशु मसीह बाइबल में साफ कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए आइए हम यहू तीन कसोला का हम देखें यहाँ कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए इस बात से हम सभी कोई भली बातें जानते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया प्यार छोटा सा शब्द है लेकिन हम जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के प्यार को दर्शाती है लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर पर विश्वास को और आज माती रही सुसमाचार से हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे एक सुबेदार का विश्वास को एक महान विश्वास बतलाया है आइए हम देखें जब यीशु मसीह कपरनहम को गया तो उसके पीछे भारी भीड़ आ रही थी और ऐसे भीड़ में यीशु मसीह कपरनोह में आता है और यीशु मसीह के सामने एक सुबेदार आता है जो यीशु मसीह के बारे में शायद ही कुछ जानता हो लेकिन वो सुबेदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है हे hey प्रभु मेरा स्वामी घर में पीड़ित है लखुआ रोग से पीड़ित है यीशु मसीह ने उसे कहा मैं स्वयं आकर उसे चंगा करता हूँ तब सुबेदार ने कहा नहीं पिता मैं इस योग्य नहीं कि आपको मेरे छत तले लाऊं। वर्णन आप यहाँ से कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा यह सुनकर यीशु मसीह अचंब हुआ और उनसे कहता है मैंने पूरे इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा और उस सुविधा से कहता है जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही हो बाइबल यह बताती है कि उसी क्षण उसका सेवक चंगा हो गया विश्वास जो सुबेदार यीशु मसीह के प्रति दिखलाता है जब वह यीशु मसीह के पास आया यीशु मसीह को वह अच्छी तरह से नहीं जानता था यीशु मसीह को उसने कभी देखा नहीं था यीशु मसीह को उसने कभी परखा नहीं था लेकिन जब वह सुबेदार यीशु मसीह के बारे में जाना सुना तो वह पूरी विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आता है और आकर उनसे कहता है कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से पीड़ित है हम यीशु मसीह की बातों को देखेंगे यहां यीशु मसीह ने क्या कहा जब यीशु मसीह उस सुबेदार से कह, कह रहा था कि मैंने पूरे इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा तब उसने और एक शब्द कहा था पूर्व और पश्चिम से लोग आकर स्वर्गराज में अब्राहम, याकूब और ईसा के साथ बैठकर भोजन करेंगे लेकिन राज्य के संतान ध्यान दीजिए राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहां उन्हें कुटकुटाना और दांत पीसना होगा परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे ये एक गंभीर बात है क्योंकि कई बार हम विश्वास को आसान तौर पर लेते हैं कि हम रोज़ चर्च जाते हैं हम रोज़ विनती करते हैं हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वासी हैं सच्चाई को जानना ही केवल विश्वास नहीं उसे मानना भी है जब वो सुबेदा यीशु मसीह के पास आया तो उसने क्या कहा हे hey प्रभु मेरा सेवक घर में लखुआ रोग से पीड़ित है यहाँ वो सुबेदार यीशु मसीह के पास आता है पूरे विश्वास से पूरे विश्वास के साथ वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरा सेवक पीड़ित है और यहाँ पर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ये भी बताया कि वह एक परिधान व्यक्ति है अगर आज के तौर पर और आज की बातों में अगर हम कहें तो वो एक मिलिट्री राज का मेजर था लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है कि यदि मैं एक सेवक से कहूँ कि आ तो वह आता है और दूसरे से कहता हूँ जा तो वह जाता है तो हम ये देखते हैं कि एक परिधान व्यक्ति का के अधीन में जब लोग रहते हैं तो वो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति सुबेदार खुद भी यशु मसीह के पास आने का उसको आवश्यकता नहीं था वो किसी एक सैनिक को बोल दिया होता तो वो सैनिक यीशु मसीह के पास जा करके के उनसे कहता कि मेरा मालिक ने कहा है कि हमारे घर में एक सेवक पीड़ित है ये भी हो सकता था लेकिन उस सुबेदार ने ऐसा नहीं किया वो स्वयं ही गया और परमेश्वर से मिला क्यों क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके लिए ज़रूर ही भला करेगा और जब वह परमेश्वर के पास गया यीशु मसीह के पास गया तो यीशु मसीह ने उसे वैसे ही कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसे ही तेरे साथ भी हो और उस सुविधा का विश्वास इतना था कि उसका सेवक उसी क्षण चंगा हो गया इसमें से हम कई सबक सीख सकते हैं लेकिन हम और एक जगह विश्वास को हम देखेंगे परमेश्वर विश्वास के बारे में क्या कहता है मति रहित सुसमाचार उसका आठ अध्याय उसका तेईस से हम पढ़ेंगे या तो देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है एक दिन यीशु मसीह लोगों के भीड़ से लोगों को प्रचार करके लोगों से बातें करके थक गया और संध्या के वक्त अपने चेलों के साथ वो वापस नाव को गया जब वह नाव में आया तो यीशु मसीह दिन भर के काम से थक गया था और जाकर उसने कोना स्थान लिया और नाव में जाके सो गया और हम देखते हैं कि उस झील में एक भयंकर तूफान आता है और हम इस चीज़ को देखेंगे कि गलील एक ऐसी जगह में स्थापित किया गया था जहाँ पर तूफान का उठना अनिवार्य था जब भी हवा चलता तो उस झील में तूफान उठता था और ऐसे ही समय में संध्या के वक्त उस झील में तूफान उठ गया और यीशु मसीह जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी में थे वो थका हुआ था और वो सो रहा था और तब चेले यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं हे प्रभु क्या तू नहीं जानता कि हम नाश हुए जाते हैं तब यीशु मसीह उठता है और अपने चेलों से कहता है हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो हम यहाँ देखेंगे कि यीशु मसीह के चेले येसु मसीह के चेले जो दिन रात यसु मसीह के साथ रहते थे यसु मसीह के साथ चलते थे उनके साथ प्रचार करते थे येसु मसीह के साथ उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला यसु मसीह के साथ उन्होंने बहुत सारे आश्चर्यजनक कामों को देखा यशु मसीह के रहते उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा फिर भी उनका विश्वास यशु पर कितना था वो हम देख पाते हैं और यशु मसीह उन्हें क्या कहता है हे अल्पविश्वासियों यानी कि उनमें विश्वास नहीं था यीशु मसीह उनसे कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ गया यीशु मसीह उनसे पूछता है कि तुमने इतना दिन तक मेरे साथ गुजारा और इन दिनों में तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया आज वही बात हमारे साथ भी होता है क्या हम उस सुबेदार की तरह हैं जो यीशु मसीह के बारे में एक छोटी सी चीज को सुनकर यीशु मसीह के पास आया पूरा विश्वास के साथ और उसके साथ भला हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले जो उनके साथ दिन रात रहते थे जो यीशु मसीह के साथ चलते थे जो यीशु मसीह के साथ सोते थे जो यीशु मसीह के साथ खाते पीते थे जिन्होंने उसके साथ भोजन किया जिन्होंने उसके साथ रात गुजारा उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जब मुसीबत आई तो वो घबरा गए डर गए और अपने जीवन से वो लोग हार गए थे कि वो मरने वाले हैं वो नष्ट किए जाते हैं लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया परमेश्वर उठा और आंधी को डांटा और हम देखते हैं कि आंधी शांत हो गया तुरंत ही यह समस्या उनसे कहता है डरो मत और आज हमसे भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे यह कहता है हमारा विश्वास उस सुबेदार की तरह हो ताकि हम परमेश्वर के पास संपूर्ण विश्वास से आए और अपने तकलीफों को परमेश्वर को बताएं हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के तकलीफें हो सकती हैं कोई पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता कोई काम करना चाहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के तकलीफों से हम घेरे हुए हैं जब तक इस संसार में हम रहेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के तकलीफों से हम घेरे रहेंगे लेकिन उस सुविधार की तरह यदि हम संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सुनेगा और वो हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसे ही तेरे साथ भी हो और जहाँ तक हम देखते हैं कि चेलों का जीवन जब यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था तब उनका जीवन कैसा था लेकिन जब वो यीशु मसीह पर विश्वास किए यीशु मसीह के रास्ते पर चलने योग्य अपने आप को बनाए तब उनका जीवन को हम देखते हैं कि संपूर्ण बदल गया था उनका जीवन पहले का जीवन से बेहतर हो गया था उनका जीवन विश्वास में अटूट हो गया था ऐसा विश्वास कि उन्होंने परमेश्वर के लिए मरना पसंद किया लेकिन परमेश्वर को छोड़ना नहीं हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पूरे इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा ये इसराइल को क्यों संभवित करता है इसराइल जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे इसराइल जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग थे उनमें परमेश्वर वो विश्वास नहीं देखता उनमें वो परमेश्वर जो सुबेदार में विश्वास देखा वो विश्वास उन इसराइलों में नहीं देखा आज हमें भी वही बात आती है क्या परमेश्वर में वो विश्वास देख पाता है जो हम में होना चाहिए हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं मसीही बतलाते हैं पर क्या हम मसीह पर संपूर्ण विश्वास करते हैं पर क्या हम परमेश्वर की बातों पर स्मरण करते हैं उसकी बातों पर गौर करते हैं उसकी वचनों को पढ़कर अपना जीवन में यतित करते हैं यह सवाल हमारी जिंदगी के, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम परमेश्वर की बातों को सिर्फ़ पढ़ते हैं जैसे हम अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं यदि हम उसकी बातों को सिर्फ बोलते हैं जैसे हम अन्य मित्रों से बात करते हैं यदि परमेश्वर के बारे में हम दूसरों से बातें करते हैं जैसे हम अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो पूरे मन से परमेश्वर के पास आए पूरे मन से परमेश्वर को अपनी तकलीफ़ें हम सुनाएंगे पूरे मन से परमेश्वर के पास आकर उनसे कहें कि परमेश्वर हमें तू अपने विश्वास में मजबूत कर पूरा इसराइल राज्य में वो विश्वास नहीं देख पाया और आज वो हम में भी है हम परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले लोगों में गिने जाते हैं हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले लोगों में से गिने जाते हैं हम परमेश्वर की बातों को बतलाने वाले लोगों में से गिने जाते हैं लेकिन क्या हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने वाले लोगों में से गिने जाते हैं क्या हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं जो विश्वास हमें होना चाहिए क्या हम बाइबल को उस रीति से देखते हैं जिस रीति से हमें समझना चाहिए अगर ऐसे विश्वास में अगर हम बढ़ेंगे तो शीघ्र ही परमेश्वर के राज के भागीदार होने वाले व्यक्तियों में से हम गिने जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जल्द आने वाला है और हमें वह अपने संग ले जाएगा वह देर नहीं करेगा परंतु हमें अपने संग लेकर जाएगा आज की इस बात से आज की इस विश्वास भरी बातों से हमें सीखने को मिलती है जब हम यीशु से विनती करते हैं विश्वास के साथ यीशु हमारी सुनता है दूसरी बात जब यीशु पर विश्वास करते हैं भले उसे हम जाने या ना जाने परमेश्वर हमारे लिए करता है और तीसरी बात जैसे इसराइल में परमेश्वर ने विश्वास नहीं देख पाया वैसा आज यदि हमारे बीच में परमेश्वर विश्वास नहीं देख पा रहा है तो जरूर हम में कोई कमी है जरूर हम में कोई कमियां हैं जो हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं हमें अपने आप को देखना है भाइयों और बहनों अपने आप को परखना है कि क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ आ जाते हैं जिससे कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कुछ दिनों पहले की बात है मेरा एक मित्र अपने संघ के साथ जा रहा था और जब वो मित्र कहा कि आइए हम प्रार्थना करके आगे बढ़े तो वह कहता है कि मैं रोज इस रास्ते में चलता हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता और उन्होंने प्रार्थना नहीं किया और अपनी ओर अपनी राह पकड़कर चल दिया फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद हमें खबर मिलती है कि वह एक दुर्घटनाग्रस्त में जख्मी हो गया हमने उसके लिए प्रार्थना किया और वह अस्पताल में लिया गया और कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया और उसके बाद फिर उसने मुझसे बदलाव किया और मैंने उनसे कहा कि तुमने प्रार्थना नहीं किया था और उस जन से आज तक वह मित्र प्रार्थना करता है परमेश्वर के प्रार्थना में वो लगे रहता है और इससे हम देखते हैं कि उसका जीवन विश्वास में बढ़ता जा रहा था विश्वास ऐसा नहीं कि हमें एक क्षण में हो जाता है परमेश्वर पर विश्वास करना दिन प्रतिदिन का बढ़त की ज़िंदगी है हमें अपने जीवन में एक छोटी सी चीज़ से बड़ी ज़िंदगी तक हमें पर परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा या छोटा से छोटा बात हो या बड़ा से बड़ा बात परमेश्वर पर, पर विश्वास करना है हमारे पास कुछ भी तकलीफ़ें आती हैं हमें परमेश्वर पर को सौंपना है कि हे परमेश्वर में, में यह तकलीफ है हे परमेश्वर मेरे साथ ये तकलीफ है यदि हम ये चीज़ों को परमेश्वर को बतलाएंगे तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा और वह हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ भी हो हम चेलों की ज़िंदगी में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको समझाया कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था जब तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें थी तुमने परमेश्वर को पुकारा हे प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं हम नाश्त हुए जाते हैं और जब चेलों ने परमेश्वर को पुकारा परमेश्वर यीशु मसीह वहां से उठकर उनसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ क्योंकि उन्हें यह समझना चाहिए था कि जब परमेश्वर उनके साथ है तो कोई अंधी उन्हें नहीं डुबा सकती जब परमेश्वर उनके साथ है तो कोई उन्हें कुछ कर नहीं सकता जब परमेश्वर उनके साथ है तो उन्हें किसी और से डरने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि जगत का राजा परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ था और इस चीज़ को चेले नहीं समझ पाए थे और इसी कारण वो परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि हे परमेश्वर हम डूबने वाले हैं हम नाश की नाश्ट हुए जाते हैं ये जानना अनिवार्य था कि परमेश्वर जब यीशु मसीह का पुत्र है जब परमेश्वर जब यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है और वह मनुष्य रूप में हमारे बीच में आया इस चीज को चेले जानते थे और उसी के कारण उसके पीछे आए क्योंकि हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया तो एक क्षण में वो अपना काम छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिए थे यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुलाया वो चेले देर नहीं किए परंतु एक क्षण में अपना कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले गए ऐसा विश्वास के साथ वो परमेश्वर के पीछे गए थे कि उनका विश्वास कभी ना हटक मगाएगा। लेकिन जब वो नाव में थे झील में आंधी में फंस गए हुए थे तब उन्होंने देखा कि उनका विश्वास कमज़ोर पड़ गया था आज हम में भी वही बात आती है हम यीशु मसीह के पास पूरे विश्वास से तो आते हैं लेकिन अपना विश्वास को हम मजबूत नहीं बना पाते हैं। अपना विश्वास को हम परमेश्वर में मजबूत नहीं बना पाते हैं और अपने आप में हम कमज़ोर हो जाते हैं मानसिक तौर से शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से हम कमज़ोर हो जाते हैं और जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तब यीशु मसीह हमसे कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है क्योंकि जब हमारा विश्वास अगर हम में हो तो यीशु मसीह ये बात नहीं कहता कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है आज यीशु मसीह हमसे कहता है कि अपना विश्वास को मजबूत करो मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि हम यहुद्दीन में सोलाहुनदीन का में हमने देखा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा और आनंद जीवन छोटी सी बात नहीं है भाइयों ये खुशी की बात है आनंद जीवन कि हम सदा के लिए जिएंगे एक छोटी सी क्षण के लिए नहीं सदा के लिए इस पृथ्वी में हम भले दो तीन चालीस साल तक हम जीते हैं यहाँ पर जीने का कोई सीमा नहीं है कोई जल्दी मृत्यु में आ जाता है कोई देर से और कोई अपने बूढ़े स्थिति में लेकिन हम मरते जरूर हैं और हम यदि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा अनंत जीवन जिसके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं जिस जीवन को पाने के लिए हम मसीह के पीछे चलने लगे हैं जिस जीवन को पाने के लिए हम मसीह के और बढ़ना चाहते हैं वह केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होगा क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन का भागीदारी होगा भाइयों आज इस छोटी सी बातों से हमने क्या सीखा कि परमेश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए उसकी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए उसके वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए और पूरा विश्वास पूर्ण के साथ हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए हमारी ज़िंदगी में आंधियाँ आएँगी बहुत सारे आंधियाँ आएँगी केवल एक नहीं दो नहीं अनेक आंधियाँ आएँगी मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमारे साथ कौन है यीशु मसीह है और जब यीशु साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यीशु के साथ आप अपने विश्वास में मजबूत बने रहें तो परमेश्वर हमें ज़रूर से जरूर से स्वर्ग का भागीदारी हमें बनाएगा क्योंकि यदि हमें विश्वास रहे तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह हम पर रखेगा और हम उसकी ओर उसके विश्वास में बढ़ते रहने सकेंगे यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर की राहों पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा और इस कठिनाई से गुजरने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा भई हम फिर से इस बात का हम दोहराएंगे कि हमने क्या सीखा इस बात से मती रहित समाचार पाँच या तेरह में हम देखते हैं जिस तरह से यीशु मसीह के पास आता है उस तरह हमें संपूर्ण विश्वास के साथ आना चाहिए फिर अपना तकलीफ परमेश्वर को हमें सौंपना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर से विनती करना चाहिए परमेश्वर को अपने पास निमंत्रित करना चाहिए परमेश्वर को यह बतलाना है कि हे परमेश्वर हम में यह तकलीफ़ है इसे तू दूर कर और परमेश्वर हमसे कहेगा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो यही बात आगे भी हम देखेंगे कि परमेश्वर बाइबल में किस तरह से लोगों का विश्वास को बढ़ाया किस तरह से लोगों को अपने विश्वास में एकत्रित किया किस तरह लोगों को वो अपना विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ाया और उन्हें अपने राज के लिए तैयार किया हम देखेंगे विश्वास को आज हमें भी यीशु मसीह पर विश्वास करना है उसके पास आना है यीशु मसीह से ये कहना है कि हम में प्रभु ये बुराई है हम में ये कमियां हैं हम इस रोग से पीड़ित हैं मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है मुझे ये चाहिए और परमेश्वर हमसे देगा क्योंकि मत्ती सात अध्याय का साथ में कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा आइए हम प्रार्थना करें हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है प्रभु धन्यवाद देते हैं उन सारे आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया और हमारे विश्वास को बढ़ाने में जो तू हमें मदद किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं आगे भी आप हमारे साथ रहिए ये विनती इस मसीह के नाम से मांगा है आमेन